बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस, ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात पंजुम का सबक नंबर 5 प्याम सूरज का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे इस नज़म की नसर। सबक की पढ़ाई और मश्क हम पहले दो लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इस नज़म की सिर्फ नसर करेंगे। तो काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू इल्मो अदब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबर, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग पेंसिल को तराश करें और कॉपी पर इंडेक्स लिखें। नंबर शुमार, तारीख, प्याम सूरज और आगे आप लोग लिखेंगे ब्रैकेट में नसर। जी नसर क्या होती है? आप लोगों ने पहले भी की हुई है। नसर का मतलब होता है किसी शेर को जुमले में तब्दील करना। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी किताबें खोलें, इल्मो अदब सफ़ा 14, यहाँ से आप लोग उनमान लिख लें, प्यामे सूरज, आगे लिखें बंद एक। बंद में दो से ज़्यादा लाइनें होती हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा मिसरे होते हैं। एक मिसरा, एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं, दो लाइनों को एक शेर कहते हैं और शेर से ज़्यादा जितनी भी लाइनें हों उनको हम बंद कहेंगे। सबसे पहले बंद एक लिखें। यूं बैठे बिठाए कभी मिलती नहीं रिफ़त, पोशीदा है मेहनत में ही इंसान की अजमत, चलती है पकड़ कर जो सदा वक्त का दामन, इस कौम से करता हूँ मैं हर आन मोहब्बत, कहता है ये हर रोज़ उभरता हुआ सूरत। ठीक है, पहली 5 लाइनें लिख लें, 5 मिसरे लिखिए, उसके बाद लिखें बंद एक, तशरी नसर सॉरी, ठीक है, नसर लिखें। हाँ जी, इसकी नसर लिखें। कभी इंसान को यूँ बैठे बिठाए रिफ़त नहीं मिलती, क्योंकि इसकी अजमत मेहनत में पोशीदा है, जो कौम सदा वक्त का दामन पकड़ कर चलती है, मैं हर आन इससे मोहब्बत करता हूँ, हर रोज़ उभरता हुआ सूरज ये कहता है। जल्दी जल्दी शाबाश लिखें, सबकी लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपने पेंसिल को तराश करके काम करना है। उसके बाद बंद दो लिखें, जल्दी से किताब से बंद दो लिख लें आप लोग, बंद दो की नसर लिखें। बंद दो लिखें उसके बाद नसर लिखें। ये आपने बंद दो भी 5 लाइनों में मुकम्मल करना है, ठीक है। पहली लाइन में पहला मिसरा, दूसरी लाइन में दूसरा मिसरा, इसी तरह आपने 5 लाइनों में 5 मिसरे मुकम्मल करने हैं। उसके बाद अगली लाइन में लिखें नसर। हर लम्हा इस बात की गवाही देता है कि जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता, जवानी की ये घड़ियाँ गफलत में ना कट जाएं मेरे भाई, जो करना है आज कर लो, हर रोज़ उभरता हुआ सूरज ये कहता है। उसके बाद लिखे बंद तीन, बंद तीन लिखे, शाबाश, जल्दी से, आप लोगों ने बहुत अच्छी लिखाई में काम करना है। बंद तीन की नसर लिखें। अगर तस्वीर में रंगे सदाकत की स्याही शामिल ना हो तो तस्वीर किसी सूरत मुकम्मल नहीं होती, इंसान फकत अमल से ना काम होता है, तकदीर सदा राह में हायल नहीं होती, हर रोज़ उभरता हुआ सूरज ये कहता है। हाँ जी, इसके बाद जल्दी से शाबाश, सब बच्चे डायरी निकाल लें। डायरी पे आज आप लोगों ने आज की तारीख लिखनी है और हमारा जो मज़मून है वो उर्दू है। लिखें प्यामे सूरज के बंद 4 की नसर करें। आप लोगों ने बंद 4 की नसर घर का काम की कॉपी पर बहुत खुशखत लिखनी है। बंद 4 भी आपने पूरा लिखना है और उसकी नसर भी। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।